Hello everyone, welcome to my class of 10th ICSE. Today we are going to solve a problem from ratio and proportion. So look at the problem. We are given with the value of x and we have to find the value of this plus this. So we have to find the value of this expression. Now it's a very easy problem. This can be solved into three steps. Pehla step kya hoga ki hame is expression ki pehle value nikalni hogi. फिर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालूंगा और फिर मैं पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालूंगा बाय एडिंग देम. तो प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, पहले तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो निकाल लेते हैं. पहला स्टेप करते हैं, तो जो दिया हुआ है उसको उठा लेते हैं. एक्स इक्वल्स टू 4√6 अपॉन √2 + √3. नाउ करना क्या है, वेरी इजी एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आप 4√6 को फैक्टराइज करो. तो कैसे करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 × 2, 4 होता है, और रूट सिक्स होता है √2 × √3, ठीक है, अपॉन √2 + √3 से. अब इससे हुआ क्या, मुझे यहां पे x के साथ क्या चाहिए, 2√2 चाहिए. मेरा फोकस अभी सिर्फ इसी स्टेप पर है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो x और 2√2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से x के नीचे 2√2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 2√3 अपॉन √2 + √3, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये होने के बाद बहुत सिंपल है, अभी आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे. सो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी विल हैव एक्स प्लस 2√2 अपॉन एक्स माइनस 2√2 एंड दैट इज इक्वल्स 2√3 प्लस ब्रैकेट में √2 + √3 अपॉन 2√3 माइनस ब्रैकेट में √2 + √3. नाउ दीज ब्रैकेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. इफ यू डोंट हैव दिस हैबिट यू मे कमिट मिस्टेक्स. सो 2√3, अब सिंस ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि बाहर प्लस है, सो नो चेंज, +√2 + √3 एज इट इज, 2√3 एज इट इज. अब ये माइनस की वजह से होगा क्या, ध्यान देना, -√2 आएगा और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा √3. Okay, so we have the value as x plus 2√2 upon x minus 2√2 equals 2√3 + √3 becomes 3√3 + √2 upon 2√3 - √3 becomes √3 - √2. So one of the very important step is done. So हमें ध्यान से देखना, इसकी value मिल गई, इसकी value मिल गई. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. बहुत आसान, सेम तरीका वापस करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट अगेन. सो अगेन हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस, दैट इज एक्स इक्वल्स जो हमें दिया था, और अपॉन में रहेगा √2 + √3. सो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, 4√6 दिया हुआ था जिसको हमने फैक्टराइज किया है. अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड से मैं क्या लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में. देखो यहां पे मैं 2√2 लेके आया था, यहां पे क्या लेके आऊंगा, यस, तो हम x के नीचे लेके आएंगे 2 और √3, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी, और बचेगा क्या, 2√2 अपॉन √2 + √3. अब हम लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा, x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, राइट. राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2√2 + √2 + √3 अपॉन, जस्ट हैव द ब्रैकेट्स, 2√2 - √2 + √3. अब ये ब्रैकेट डालना जरूरी नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है, सो नो चेंज, बट ये ब्रैकेट रियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर माइनस है. सो 2√2 + √2 + √3 एज इट इज अपॉन 2√2, देखो यहां पे क्या होने वाला है, -√2 और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -√3. ये स्मॉल चीज है, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी. So, x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 की वैल्यू आ गई, 2√2 + √2 बिकम्स 3√2 एंड √3 एज इट इज अपॉन 2√2 - √2 इज √2 - √3. सो वी हैव द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो. सो आउट ऑफ द थ्री स्टेप्स, टू स्टेप्स आर डन एंड दोज टू स्टेप्स वर वेरी सिमिलर टू इच अदर. Now the third step. What should be the third step? You try to understand, please. What should be the third step? हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली. अब किसकी वैल्यू पूछी है हम लोग को? हमें पूछी है इसकी और इसके एडिशन की. तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड कर देते, तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा. So let's add. Adding
इक्वेशन वन एंड टू। सो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स प्लस टू रूट टू अपॉन एक्स माइनस टू रूट टू प्लस एक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस टू रूट थ्री। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिए, अब दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी ऐड करना है। सो इक्वल्स टू में क्या आएगा, इक्वल्स टू में ये आएगा थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू, थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन में है रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस यहाँ पे है थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री और अपॉन में है रूट टू माइनस रूट थ्री। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब यू सी वी हैव फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन। अभी इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। पहले वाले का डिनोमिनेटर देखो इट इज रूट थ्री माइनस रूट टू, और सेकेंड वाले का देखो इट इज रूट टू माइनस रूट थ्री। टर्म्स वही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप ए माइनस बी में से माइनस कॉमन निकालते हो तो वो बन जाएगा बी माइनस ए। तो आपको करना क्या है, यही करना है, अगर रूट टू माइनस रूट थ्री में से माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू। तो वही करेंगे, सो थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री। अब बताओ क्या करने वाले हम लोग, ये जो है रूट थ्री रूट टू माइनस रूट थ्री, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे और हो जाएगा ये रूट थ्री माइनस रूट टू। देखो इधर भी रूट थ्री माइनस रूट टू, इधर भी रूट थ्री माइनस रूट टू, ये टू रूट टू माइनस रूट थ्री था, अब ये रूट थ्री माइनस रूट टू है माइनस निकालने की वजह से। ओके सो माइनस निकालने से ये फायदा हो गया, थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू एज इट इज। अब ये जो माइनस है ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, ठीक है। सो नाउ थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, यही तो करना था। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक ही लिखेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू, और इधर आएगा थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस, माइनस है तो अभी ब्रैकेट देना पड़ेगा, थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री। डोंट फॉरगेट इट, यहाँ पे माइनस है इस वजह से ब्रैकेट आया है। सो नेक्स्ट स्टेप पे आपको पता है साइन चेंज होने वाला है, थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री रूट टू माइनस रूट थ्री, माइनस प्लस विल बिकम माइनस एंड रूट थ्री माइनस रूट टू। सो व्हाट वी हैव, थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री बिकम्स टू रूट थ्री, रूट टू माइनस थ्री रूट टू बिकम्स टू रूट टू दैट इज माइनस टू रूट टू एंड रूट थ्री माइनस रूट टू। इफ यू सी अगर हम कॉमन निकालते हैं तो वी हैव रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टू कॉमन निकाला, टू दोनों के पास टू था, टू कॉमन निकाला, इस वजह से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया एंड यू हैव द फाइनल आंसर एज टू। दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू इट्स अ थ्री स्टेप प्रॉब्लम, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। ओके, ऑल द बेस्ट।